नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। भारत के G20 समूह की अध्यक्षता संभालने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी, इसलिए हमारी थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। उन्होंने कहा कि हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि मिलकर निकाला जा सकता है। भारत ने आज G20 की अध्यक्षता संभाल ली है और पीएम मोदी ने इस परिष्ठित वैश्विक ग्रुप की अध्यक्षता मिलने पर नरेंद्र मोदी .in पर लिखा कि आज से भारत के हाथों में G20 की अध्यक्षता। G20 की पिछली 17 अध्यक्षताओं के दौरान वृद्ध आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय कराधान को तर्कसंगत बनाने और कई देशों के सिर से कर्ज के बोझ को कम करने समेत कई अहम परिणाम सामने आए हैं। हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे और यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे। G20 के महत्व को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अपने आप से ये पूछता हूं कि क्या G20 अभी भी और आगे बढ़ सकता है? क्या हम समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता में मूलभूत बदलाव लाने की पहल कर सकते हैं? मेरा विश्वास है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक गली में एक युवक द्वारा एक महिला यूट्यूबर से कथित रूप से छेड़छाड़ करने का वीडियो बुधवार को वायरल हो गया और ऐसा बताया जा रहा है कि महिला दक्षिण कोरिया की नागरिक है। पुलिस ने बताया है कि उन्हें इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। वीडियो साझा करने वाले एक ट्विटर खाते का दावा किया गया है कि पीड़िता दक्षिण कोरिया की नागरिक है और रात करीब 8 बजे जब ये घटना हुई उस समय वो उपनगरीय खार इलाके में थी। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा युवक महिला के काफी करीब आया और उसने उससे विरोध करने पर भी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। महिला घटनास्थल से जाने लगी तो वहीं आदमी अपने एक दोस्त के साथ फिर से मोटरसाइकिल पर दिखाई दिया। उसने महिला को उसके गंतव्य तक छोड़ने की पेशकश की और जबकि महिला ने टूटी फूटी अंग्रेजी में उसकी पेशकश ठुकरा दी। पीड़िता महिला ट्वीट करते हुए कहा है कि कल रात ही ऐसा हुआ और जिस दौरान युवक ने मुझे परेशान किया और मैंने पूरी कोशिश की मामले को आगे ना बढ़ाऊं, निकल जाऊं, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ था और कुछ लोगों ने कहा कि ये मेरे फ्रेंडली होने और बातचीत शुरू करने की वजह से हुआ और इस घटना ने मुझे स्ट्रीमिंग के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक कोरियाई महिला यूट्यूब के कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप भी दो युवकों को मोबिन चंद मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब सदरिया लम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और खार पुलिस ने IPC की धारा 354 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया है। संसद का शीतकालीन सत्र अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहा है और पिछली बार की तरह इस बार भी सत्र के हंगामेदार होने के आसार लगाए जा रहे हैं और साथ ही कई अहम विधेयक भी संसद में पेश किए जाने की संभावना है और सभी सरकारी कार्यक्रमों में मांसाहारी भोजन पर रोक लगाने वाला बिल और प्राइवेट सेक्टर में रिश्वतखोरी रोकने वाले मांग करने वाला बिल प्राइवेट मेंबर्स बिल की सूची में शामिल है और जिन पर संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में चर्चा की जाएगी और लोकसभा की अधिसूचना के अनुसार इस सत्र में सदस्यों के कुल 20 बिल चर्चा के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं, जबकि अधिकांश प्राइवेट मेंबर बिल मामूली चर्चा के बाद खारिज कर दिए जाते हैं। आजादी के बाद से अब तक संसद में ऐसे महज 14 बिल ही पारित किए गए हैं। आखिरी बार 1970 में किसी प्राइवेट बिल को मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें कि पश्चिमी दिल्ली से BJP सांसद परवेश साहिब सिंह ने ऑफिशियल गवर्नमेंट मीटिंग्स एंड फंक्शन बिल को सूचीबद्ध किया है। परवेश के अनुसार जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय ने सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में मांसाहारी भोजन पर बैन लगाने को लेकर प्रस्ताव रखा है, क्योंकि इसको जलवायु, ग्लोबल वार्मिंग और
पर बहुत बड़ा प्रभाव है। भारत में हम नॉन वेज खाने से दूर जाने की पहल कर सकते हैं, और साथ ही बीजेपी सांसद ने यह भी रेखांकित किया है कि बिल आम लोगों के लिए नॉन वेज भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग नहीं करता है, लेकिन कम से कम सरकार की ओर से हम स्थायी खाद्य प्रणाली और जलवायु अनुकूल जीवन शैली की दिशा में एक कदम तो बढ़ा ही सकते हैं। पंचम विधानसभा के तृतीय सत्र में कुल 619 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 44 अल्पसूचित प्रश्न तथा तारंकित अतारंकित प्रश्न 575 प्राप्त हुए। 13 अल्पसूची प्रश्न जो थे वह स्वीकार हुए, उनमें से एक प्रश्न उत्तरित हुआ, और इसी प्रकार 171 तारंकित प्रश्न स्वीकार हुए हैं, उनमें से 33 प्रश्न उत्तरित हुए हैं। आपको बता दें कि 375 उत्तराखंड प्रश्न में से 120 प्रश्न उचित हुए। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में भू राजस्व अधिनियम अध्यादेश सदन के पटल पर रखा गया, और साथ ही इस सत्र में कुल 14 विधेयक उत्तराखंड विनियोग विधेयक सहित पारित हुए हैं। इस सत्र की मुख्य विशेषता ये है कि उत्तराखंड लोक सेवा के लिए श्रेतिक आरक्षण विधेयक 2022 सर्वसम्मति से पारित हुआ है। ये प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है, और इस सत्र में 6 विधेयक पुरस्थापित किए गए हैं। इस सत्र में 2 विधेयक सरकार द्वारा वापस किए गए, जिनमें से एक उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 है और कारखाना विधेयक 2019 है। पंचम विधानसभा के तृतीय सत्र में सरकार द्वारा सदन के पटल पर 10 प्रतिवेदन रखे गए हैं, और इस सत्र में नियम 300 की कुल 30 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 26 को स्वीकृत किया गया, और इसी प्रकार आपको बता दें कि 53 की कुल 22 सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से 2 वक्तव्य के और केवल वक्तव्य के लिए 2 को स्वीकृत किया गया। ओरिएंटेशन होना चाहिए, हम लोग थोड़ा लेट हैं, ओरिएंटेशन और कार्यशाला अवश्य होनी चाहिए, लेकिन कल मेरा ध्यान इस बात पर गया कि मोबाइल का यूज़ देखिए, बहुत से लोग उसमें कुछ काम भी करते हैं, जैसे कि अगर किसी स्पीच में कुछ उनको लिखना है तो उस वक्त भी मेरा निवेदन ये रहता है कि आप लॉबी में आकर बैठकर वहाँ पर काम करें, लेकिन कल जब फ़ोन यूज़ हुआ और वहाँ से बातचीत हुई तो सदन की जो गरिमा है उसको ठेस पहुँची। तो कल मैंने केवल उनसे उनको बोला था या इशारों में समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मुझे कल जब मैं सोच रही थी इस विषय को तो मुझे लगा कि सदन की एक गरिमा है, डेमोक्रेसी का टेंपल है, लोकतंत्र का मंदिर है, और बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए लाइव जाती है सब चीज़ें, बच्चे यंगस्टर्स इस चीज़ को देखते हैं, हमारे आचरण को देखते हैं, हमारी सिंसियरिटी हमारी देखते हैं कि कितनी सीरियसनेस के साथ हमारा जो विधायक है, जो हमारा प्रतिनिधि है, वो के साथ सदन में कार्य कर रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कल चोरी रोकने के लिए धरातल पर एक योजना को उतारा है, और इस योजना के तहत ग्राहकों को 200 रुपए से ज्यादा की खरीदारी करने पर दुकानदार से जीएसटी का पक्का बिल लेने के लिए कहा गया है। ये बिल राज्य कर विभाग की वेबसाइट और सरकार के द्वारा जारी कर एक मोबाइल ऐप पर अपलोड करना है, और इस योजना में शामिल होने वाले ग्राहकों के लिए हर महीने कर विभाग की ओर से एक लकी ड्रो निकाला जाएगा, जिसमें 1500 गिफ्ट ग्राहकों को दिए जाएंगे। योजना के समापन पर मेगा ड्रो भी होगा, जिसमें 4-व्हीलर सबसे बड़ा गिफ्ट ग्राहक को दिया जाएगा, और इस योजना के ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए राज्य कर विभाग ने ऋषिकेश में नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन करना शुरू कर दिया है। जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को इस योजना की जानकारी देकर शामिल होने के लिए जागरूक किया जा रहा है, और राज्य कर विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर पल्लवी चूफाल ने कहा है कि यह योजना 31 मार्च 2023 तक चलेगी। इस योजना को चलाने का मुख्य मकसद लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना और राज्य के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा अर्जित करना है। सरकार द्वारा बिल लाओ इनाम पाओ नामक योजना लॉन्च की गई है, ये सितंबर से लेकर 2023 मार्च 31 तक चलेगी। इसके तहत
ग्राहक जो है वो खुल के खरीदारी करे, नॉन ब्रांडेड फुटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रेस्टोरेंट के बिल, ब्यूटी पार्लर के बिल, गेमिंग पार्लर के बिल, ये सारे बिल्स आप इकट्ठा करें, आप खरीदारी जब भी करें पक्के बिल लें तो अपलोड करें। ब्लिप यूके नाम का हमारा जो ऐप है ये हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है आसानी से, आप उसको अपलोड डाउनलोड करिए, अपना बिल उसमें अपलोड करिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरने के बाद, तो आपको हर महीने लकी ड्रॉ होगा, उसमें 1500 के करीब प्राइजेस हैं, जिसमें स्मार्ट वॉच है, आईफोन्स ईयरफोन्स हैं, काफ़ी कुछ। अब मेगा ड्रॉ होगा वो ये योजना जब समाप्ति की ओर होगी। तो और इसी खबर पर हमारे साथ ऋषिकेश से संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जीएसटी का बिल लेने वाले लोगों के लिए जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ एक जागरूक अभियान चला गया है जिसमें लोगों को इस बात से जागरूक किया जा रहा है कि आप जो भी सामान खरीदते हैं उसका बिल लीजिए, तो बिल लेकर जो है तो जो उनकी वेबसाइट है वेबसाइट पे जो है लोड करें, जिससे कि 10 करोड़ के इनाम भी कर दिए और उस इनाम में उनका नाम आएगा हर महीने कम से कम 200 रुपए। इस अभियान का लोगों पर कितना असर देखने को मिल रहा है और लोगों द्वारा कितना जागरूक किया जा रहा है? जी संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत खारा स्रोत के जंगल में युवक की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने वाले दो हत्यारे दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान भूपेंद्र निवासी ग्राम चमेली जनपद टिहरी गढ़वाल और विकेश निवासी यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के रूप में हुई है। मामले का खुलासा जनपद टिहरी के SSP नवनीत गुल्लर ने मुनि कृत रेती थाने में किया है। SSP के मुताबिक दोनों आरोपी मृतक विजय सिंह नेगी के दोस्त हैं और तीनों दोस्त शादी में खाना बनाने का काम करते हैं। 19 नवंबर को तीनों दोस्त पिकनिक मनाने के लिए जंगल में पहुंचे और इस दौरान नशा अधिक होने की वजह से विजय सिंह ने भूपेंद्र और विकेश को गालियां देनी शुरू कर दी। गुस्से में आकर भूपेंद्र और विकेश ने विजय सिंह नेगी के सर पर पत्थर से वार कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान न हो इसलिए उसका चेहरा भी बुरी तरीके से कुचल दिया और पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर भी बरामद कर लिया है। SSP नवनीत बुल्लर ने बताया है कि आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया गया है। मामले का खुलासा करने वाली पूरी पुलिस की टीम को उन्होंने बतौर इनाम 5000 रुपये देने की भी घोषणा की है। इनकी PM रिपोर्ट से जानकारी मिली कि इनका कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से इनकी हत्या की गई है। इनके भाई के शरीर पर 302 ITC का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ पंजीकृत किया गया और उस पर अगेन 7 टीमें बनाकर हत्या के खुलासे का प्रयास किया गया और उसमें काफी सारे एविडेंस जब क्लोज हुए, जब क्लियर हुआ तो उसमें भूपेंद्र और विकेश दो अभियुक्त सामने आए और ये तीनों एक दूसरे को जानते थे और इन्होंने साथ में शराब पीने के लिए जंगल में गए, जहाँ पे शराब पी, जहाँ पे इनका झगड़ा हुआ, गाली गलौच हुई, जिसमें कि उन दोनों ने इसके सिर पे पत्थर का वार करके इसकी हत्या करी। जैसा अभियुक्त ने अभी शुरुआती पूछताछ में बताया है तो इन लोगों को हम जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कुछ तथ्य प्रकाश में। ऋषिकेश से लगातार हमारे साथ संजय शर्मा बने हुए हैं। संजय शर्मा, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। मामला 24
घंटे में पुलिस ने इसमें जो एक मर्डर हुआ था उसको खुलासा करने में कामयाबी हासिल की, और साथ ही जो ये तीन दोस्त थे तीनों दोस्त पिकनिक मनाने के लिए जंगल में गए, जंगल में इनकी आपस में झगड़ा हुआ खा पी कर और शराब के नशे में एक दूसरे से गाली गलौज हुई। तो ऐसे में जो है विजय पाल को उसके दोस्तों ने पत्थरों से मार मार के उसका सर फोड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और पहचान ना हो सके, जिसके उसके मुंह पर भी पत्थर मार दिया जिसकी वजह से वो वहीं पर मर गया और उसकी पहचान नहीं हो पाई। 24 घंटे में पुलिस ने इस कामयाबी को किया है। पुलिस जो SSP है उन्होंने अपने कर्मचारियों की पीठ थपथपाई और 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा करी। साथ ही जो ये लोग थे ये खाना बनाने का काम करते थे शादी ब्याह में, और ये जो नशे के बहुत आदि थे, क्योंकि इनके परिजनों ने बताया कि ये नशे के चक्कर में रहते थे और अपने घर भी नहीं आ पाते थे। ऐसी स्थिति में जो ये मर्डर हुआ है पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसकी वजह से ये 24 घंटे के अंदर इसको सॉल्व कर लिया गया है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। यूपी के संभल जिले में बड़ी खबर सामने आई है, जहां खेत से घर लौट रही युवती का अपहरण कर गैंग रेप किया गया है। गैंग रेप के बाद दुष्कर्मी युवती को घर के पास छोड़कर फरार हो गए और पुलिस ने इस मामले में बहनोई के खिलाफ और इसके साथ ही साले मुकदमा के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी है और युवती का अपहरण कर गैंगरेप का पूरा मामला धनारी थाना इलाके के गांव का है, जहां बीते 28 सितंबर की रात को ही 20 वर्षीय युवती अपने खेत से घर वापस लौट रही थी और आरोप है कि गांव निवासी सुनील और उसका बहनोई भूरे ने युवती को अकेला देखकर अपनी गाड़ी में खींच लिया और अपहरण कर दूर लेकर चले गए और इसके बाद युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है और दुष्कर्मी पीड़ित युवती को उसके घर के पास छोड़कर वहां से फरार भी हो गए। पीड़िता ने घर आकर आप बीती बताई है तो परिजनों ने पैरों तले जमीन खिसक गई और इस मामले में पीड़ित के पिता ही तहरीर कर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और थाना प्रभारी ललित शर्मा ने बताया है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर सुनील और उसके बहनोई भूरा के खिलाफ धारा 366 और 376D और इसके साथ ही 506 के तहत मुकदमा जो है पंजीकृत कर लिया है। आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो संभल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर युवती का अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि संभल से खबर है और पुलिस ने फिलहाल आरोपी की जांच जो है वो शुरू कर दी है, उसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवती से छेड़छाड़ करने के बाद उसका अपहरण किया गया, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया है। लखनऊ में रिटायर IAS गंगा दीन यादव सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स की दर्दनाक और दुखद मौत हो गई है। आपको बता दें कि गंगा दीन यादव की अपने ही घर की लिफ्ट में गिरने से मौत हो गई है। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि गंगा दीन यादव की मौत हो गई है। जानकारी सामने आई है, घर की लिफ्ट में गिरने से उनकी मौत की खबर सामने आई है। लखनऊ से बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां पर बताया जा रहा है कि लिफ्ट में गिरने से उनकी मौत हुई है। लखनऊ में रिटायर IAS गंगा दीन यादव जो है उनकी दर्दनाक और दुखद मौत की खबर सामने आई है। बताते चले कि गंगा दीन यादव की अपने ही घर की लिफ्ट में गिरने से उनकी मौत की जानकारी सामने आई है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, पूरा मामला क्या है? देखिए, जो IAS गंगा दीन यादव हैं, इनकी जो डेथ हुई है ये बड़ी दुखद है और ये LDA की VC निदेशक मंडी पद पर भी रह चुके हैं और कमिश्नर गन्ना आयुक्त भी रह चुके हैं, लेकिन इनकी जो डेथ हुई है वो बताया जा रहा है कि हृदयघात जो है उसकी वजह से इससे दुर्घटना हुई है। हालांकि इनके परिवार वालों में शोक की लहर है और मातम का भी काफी दुख है इनके घर पे। और दूसरी चीज ये कि ये IAS काफी गंभीर माने जाते थे और ये कई विभागों में भी कई बड़े पद पर भी रह चुके हैं, लेकिन आज चूंकि लिफ्ट में फंसने की वजह से बताया जा रहा है कि अपने घर की जो लिफ्ट है उसमें अचानक इनका हृदयघात हो गया, उसके पीछे क्या कारण रहा है तो मेडिकल रिपोर्ट ही तय करेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है जो
जानकारी मिल रही थी कि ये लिफ्ट में यानी कि फंस गए हैं या उनकी सांस रुकने की वजह से हुआ या हृदय घात हुआ है, इसी वजह से इनकी डेथ हो गई है। और घर में इनके परिवार में इस समय मातम है और काफी अच्छे वरिष्ठ अधिकारियों में गिनती होती थी इनकी, और गन्ना संस्थान जैसे एलडीए वीसी भी रह चुके हैं ये। जी दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लखनऊ से बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां पर बताया जा रहा है कि घर की लिफ्ट में गिरने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि आईएएस गंगादीन यादव की लिफ्ट में गिरने से मौत हुई है। श्रावस्ती जिले में सरकारी धन का गबन का बड़ा मामला सामने आया है। ऑडिट के दौरान टीम ने 48 मामलों में 3,57,19,368 रुपए का घपला पकड़ा है। और यहां के तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों ने निर्धारित दर से लाखों रुपए से ज्यादा भुगतान कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का मामला जो है वो सामने आया है। बताया जा रहा है कि श्रावस्ती में ऑडिट टीम ने जिला पंचायत की तत्कालीन अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी अभियंता के साथ ही वित्तीय प्रमादर्शिता और लेखाकार कर संग्राहक अवर अभियंताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए जिला अधिकारी और मंडलायुक्त को रिपोर्ट भेजकर विभागीय कार्रवाई और वसूली कराने कार्रवाई की गई है। और ऑडिट टीम ने जिला पंचायत के अभिलेखों की पड़ताल की तो अभियंता के कई मामले प्रकाश में आए हैं, जिसमें 48 मामलों में गंभीर अनियमितताएं के बारे में जब पता चला तो पंचायत के अधिकारियों ने पूछा गया तो वे माकूल जवाब नहीं दे पाए हैं। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर टोकूंगा कि घोटाला शब्द बहुत ही खराब शब्द था जो अखबार ने यूज किया है। ये घोटाला नहीं था, ये आइट आपत्तियाँ थी। अच्छा, चूंकि सभी सरकारी कार्यालयों का जो भी कार्य व्यवहार होता है उसका ऑडिट होता है, तो जिला पंचायत का भी ऑडिट होता है, स्थानीय जो लेखा परीक्षा है तो उनका जो भी ऑडिट आपत्तियाँ हमको प्राप्त हुई है 19-20 की, ठीक है ना, 20-21 का भी चल रहा है। तो जो उनको समझ में आता है कि हाँ यहाँ यहाँ पर इन बिंदुओं को जो प्रकाशित करना अनिवार्य है, इन बिंदुओं को आगे से उनको ये लगे कि हाँ ये अनियमित हैं या यहाँ पर नियमों का पालन नहीं किया गया है, उन प्रस्तरों को जो है वो आपत्ति के रूप में लाते हैं हमारे सामने, फिर हमारा विभाग प्रस्तरवार उसका जो है अनुपालन करता है। और ये 3,57,00,000 का जो घोटाला है ये सत्य है? पूर्व में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बंदर बांट से एक बम्पर लूट किया गया है, और मेरा मानना है कि जो ये राष्ट्र का पैसा है, जो समाज का पैसा है, ये जनता जनार्दन का पैसा है, ये राष्ट्र के निर्माण में उसका जो पैसा खर्च हो वो सही खर्च हो, और इस पे भ्रष्टाचार कर रहा है। बांदा में मंडी समिति से एम्बुलेंस में खाद्य यूरिया की बोरियां लादने का वीडियो वायरल हो रहा है। करीब एक दर्जन खाद्य यूरिया की बोरियां जो है एम्बुलेंस में रखी गई हैं। आपको बता दें कि जिले में आए दिन खाद्य यूरिया ना मिलने से किसान परेशान हैं, और ऐसे में पता लग रहा है कि एम्बुलेंस के जरिए खाद किसको और कहाँ भेजी जा रही है इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। एम्बुलेंस की आड़ में खाद्य यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। बदायूं में थाना सिविल में कुत्ते के बच्चे को पीटकर मारने के संबंध में शिकायत करने पहुंचे थाने में शिकायतकर्ताओं को ही धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दो दिन पहले बदायूं थाना सिविल लाइंस में युवक ने कुत्ते के बच्चे को ईंट से कुचलकर मार डाला था। कुत्ते के बच्चे को मारते हुए युवक का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कार्रवाई के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा थाना सिविल लाइन में स्पेक्टर पर शिकायतकर्ता पर ही धमकाने का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। मतलब कुत्ते मार रहे हैं वो भी ठीक है, हम तो क्यों कराएंगे सर, हम तो इसीलिए गाय वाले डिपार्टमेंट में नहीं है। नहीं, एनिमल मारना कैसे ठीक हो सकता है सर, फालतू बात क्यों कर रहे हो? नहीं तो ये मारना ठीक था इनके हिसाब से, आप ये बता दीजिए। जैसे इन्होंने मारा ईंटों से कुछ हो जाएगी, ठीक है, अरे तो वो तो सर ये नेचर है, इनको अभी सुबह इन्हीं के सामने इन्हीं का बच्चा पिल्ला उठा के फेंक रहा है गड्ढे में, तब मैंने कहा अब ये बच्चा
तो लगातार हमारे साथ दानिश वारसी बने हुए हैं। दानिश, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, ये जनपद के बंदायू जिले का मामला आया और ये थाना सिविल अंतर्गत आ रहा है। जिस तरीके से वीडियो दो दिन पहले वायरल हुआ था, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक कुत्ते का एक मासूम बच्चा है, जिसे पिल्ला कह सकता हूँ मैं, उसको ईंटों द्वारा, एक युवक द्वारा उसको मारा जा रहा था, जिससे वो वहीं पर उसकी शायद मौत हो गई है। उसकी मौत हो गई थी, बड़ी निर्मम हत्या थी। बच्चा चाहे इंसान का हो या जानवर का, लेकिन इंसानियत कहीं ना कहीं हदें पार कर गया है वीडियो, जहाँ से इंसानियत भी शर्मसार हुई थी। और बिल्कुल जिस तरह से बधाई से खबर सामने आई है, जहाँ पर इंसानियत शर्मसार होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए। उधम सिंह नगर पलभट्टा पुलिस और ADTF की टीम को नशे के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। टीम ने पुलभट्टा थाना क्षेत्र के 1.5 किलो अफीम के साथ दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। SSP ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि कल शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि यूपी से भारी मात्रा में ही नशे की खेप लाई जा रही है, जिस पर संयुक्त रूप से बहेड़ी किच्छा रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान ही बरेली से किच्छा की ओर दो महिला आती हुई दिखाई दी। शक होने पर जब महिला पुलिस द्वारा चेकिंग की गई तो महिलाओं के बैग से लगभग 1.5 किलो अफीम बरामद हुआ है और आरोपी महिलाओं ने बताया है कि झारखंड से अफीम की खेप लाकर वो ट्रांजिट कैंप निवासी डॉक्टर प्रताप यादव को बेचते थे। वो पिछले 8 से 10 सालों से डॉक्टर प्रताप यादव को अफीम की सप्लाई कर रही हैं और 30 अक्टूबर 2022 को ही डॉक्टर प्रताप यादव को पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में जेल भेज दिया था। आज वो उसके बेटे अंकित यादव को अफीम की खेप देने आए हुए थे और आरोपियों ने अपना नाम आरती मिस्त्री निवासी झारखंड और आरती देवी निवासी बिहार सगी बहने वह। आज हमारा नशे के विरुद्ध जो हमारा जंग छिड़ा है, जिसमें पुलिस का लगातार अभियान चलता रहता है, हम कार्रवाई करते रहते हैं, उसमें एक बहुत अच्छी उपलब्धि मिला है हमारे को। अंतर राज्य नशा तस्करी गिरोह का एक पर्दाफाश हुआ है। आउटसाइड स्टेट से बिहार, झारखंड और बिहार से अफीम लाते थे, अफीम की तस्करों का हमने पकड़ की कार्रवाई हुआ है। कुल मिला के हमें दो बाहरी जनपद के शातिर अपराधी का गिरफ्तारी हुआ है और लगभग 1.5 किलो अफीम जिसका मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपए है, तो ये कमर्शियल क्वांटिटी में भी बहुत ही भारी मात्रा में माना जाता है। भारी मात्रा की अफीम की बरामदी हुआ है। तो ये कार्रवाई जो है मुख्य रूप से ADTF और SOG की टीम करी थी। SOG का जो प्रभारी है वो आज इम्पोर्टेंट काम में कुछ और जगह लगा हुआ है, सेकेंड इंचार्ज भी इम्पोर्टेंट लगा हुआ है, इसलिए वो आज PC में शामिल नहीं हो पा रहे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।